दरअसल हमारा लो बीपी का रिलेशन सबसे ज़्यादा गाल ब्लडर से है, लीवर से है और स्प्लीन से है। लो बीपी लगभग अगर 100 पेशेंट हैं उनमें से करीब करीब 90-90% फीमेल्स होती है। कई बार तो ऐसा लगता है औरतों को कि मेरे सामने बैठा जो इंसान है अब जैसे फालतू बात करते हैं इसको मैं मार दूँ, वो उसका बेचारी का कसूर नहीं होता। कसूर यही होता है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग जो है जब अबनॉर्मल होता है उसी औरत में बीपी स्लो होगा, उसी को माइग्रेन होगी, करीब करीब उसी औरत को गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाएगा। ये तीन चीज़ें पक्की हैं। चिकंदर लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर को शुगर को और लो कर देता है। क्या लो बीपी हेरिडिटिकल होता है? इसमें विरासती गुण होते हैं, ये आज चला आता है। हमारे एक प्रवर्ब भी है, कहते हैं माँ पे बेटी पिता पे घोड़ा, बहुता नहीं तो थोड़ा। अगर उसकी माँ को या नानी को लो बीपी है या गाल ब्लड की प्रॉब्लम है तो बेटी को हो जाना उसका 95% चांसेस है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और उनका किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और मेरे साथ बातचीत करने आए। आज दर्शकों की डिमांड पे हम लो बीपी पे बात करेंगे, तो लो ब्लड प्रेशर होता क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत भी है। बेसिकली पहले तो हम जानेंगे कि बीपी क्या होता है। जी, है ना। बीपी जो है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं आम भाषा में, हमारे अब का पढ़े हुए अनपढ़ सभी लोग इस बात को समझते हैं। जब तो हमारा दिल का पंप, दिल में एक पंप होता है जी, ठीक है, पंप करता है, स्ट्रोक देता है जिसे, उसको सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वो रेस्ट करता है उसको डिस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर हमारी आर्टरी में जाता है, जब तो पंप करता है तो ऊपर वाला कंसीडर करते हैं, जब वो पंप आराम करता है तो नीचे वाला कंसीडर करते हैं उसे, इसको बीपी कहते हैं। ये प्रेशर होता है हार्ट से, जब शरीर को खून पहुँचाता है हार्ट, वो आर्टरी में जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है और होने की क्या वजह है? हाँ, ब्लड प्रेशर दोनों, चाहे लो है चाहे हाई है, दोनों की वजह होती है, मगर आज आप लो ब्लड प्रेशर पर बात करनी चाहते हैं, हम लो पे ही कर लेते हैं। लो ब्लड प्रेशर के अगर तो हम मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो बहुत रीज़न उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बताए हैं। उनमें से लिखा है अगर कोई दवाई खाता हो, किसी को एलर्जी हो, किसी को किसी कारण थकावट हो जाए, किसी को भूख लगी हो, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात करी हुई है उसमें, और दवाई ज़्यादा खाता हो कई कारण, और उन्होंने शुगर कम हो, शुगर कम का तो लो बीपी में कभी कभी रिलेशन होता है, मगर इन बातों का कोई सारोकार लो बीपी से नहीं है। दरअसल हमारा लो बीपी का रिलेशन सबसे ज़्यादा गाल ब्लडर से है, लीवर से है और स्प्लीन से है। लो बीपी लगभग अगर 100 पेशेंट हैं उनमें से करीब करीब 90-90% फीमेल्स होती है। ऐसा क्यों है, लड़कों को क्यों नहीं होता? हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। बात यह है कि जो फीमेल है वो जननी है, जन्म देने वाली माता है, उसके अंदर नेचर की और से, नेचर की तरफ से हमारा शरीर हमने नहीं बनाया, ना किसी साइंस ने बनाया है, ना किसी डॉक्टर ने बनाया है, ना किसी धर्म ने बनाया है, ना किसी जात ने बनाया है। ये जो शरीर है ये कुदरत ने बनाया है, कुदरत में ही हम जन्मते पनपते हैं, कुदरत से के ही सोर्स जो है हमारी, जिसे काइनेटिक एनर्जी बनती है, जिसे हम खाना पीना कहते हैं, वो कुदरत से ही मिलता है, ठीक नहीं। इसलिए शरीर का जो खान पान है हम कैसा भी करते रहें, मगर जो औरत है उसने बच्चे को जन्म देना होता है, और उसका जो मेंसेस साइकिल कहते हैं, जिसे मंथली कहते हैं, वो 4 हफ्ते के बाद, किसी औरत का 25 दिन में, किसी का 30 दिन में, किसी का 32 दिन में एक साइकिल है जिसको 4 वीक्स साइकिल बोलते हैं, मतलब 4 हफ्ते का साइकिल। वो उससे ब्लड जो उसका बाहर जाना होता है, या अगर कोई मैरिज के बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, मां बनना होता है, तो क्या होता है उसी ब्लड से, उसी ताकत से फिर बच्चे में वो डेवलपमेंट के लिए वो काम आता है। इसलिए कुदरत की तरफ से औरतों में फैट पैदा करने की खुराक से कैपेसिटी ज़्यादा है, समर्थता ज़्यादा है, ये कुदरत की तरफ से है,
ना कि साइंस की तरफ से, ना कि किसी धर्म की तरफ से, ना कि किसी एजुकेशन की तरफ से। होता क्या है, औरतें जब खुराक खाती है, जब हम खुराक खाते हैं, खुराक हमारी स्टोमिक में हजम होती है जाकर। पहले खुराक क्या कहती है, ऊपर पहले हमारे, फिर स्टोमिक में, फिर बड़ी आंत में, ऐसे खुराक का साइकिल चलता है। स्टोमिक में प्लाज्मा बनता है, उसी प्लाज्मा से ब्लड बनता है। ब्लड का लंबा चक्कर है, कैसे बोन में, कैसे बोन फिल्टर करती है, उसे लंबा काम है। वो आकर ब्लड जब फिल्टर होकर होने के बाद ब्लड फिर बॉडी से, फिर जब उसे लीवर में आता है, लीवर उसमें से जितने भी फालतू किस्म की चीज़ें मिक्स हो जाती है, उसमें टॉक्सिक मैटर्स होते हैं, फालतू शुगर होती है और चीज़ें होती है, 300 किस्म की कम से कम चीज़ें ब्लड में मिक्स हो जाती है जो आम देखते हैं, वो फिर लीवर फिल्टर करता है। लीवर जब फिल्टर करता है उस मैटर को, वो गॉल ब्लैडर के थ्रू बाहर निकालता है। गॉल ब्लैडर फिर स्टोमिक में जाकर खाई हुई खुराक को हजम भी करता है, और स्टोमिक से फिर मिक्स होकर फालतू चीज़ों को फिर क्या करती है, छोटी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसको कॉलन में भेज देती है, वो टट्टी पेशाब के जरिए बाहर चला जाता है। उसमें होता क्या है, लीवर से हमारे चार जो है फ्लूइड बनते हैं, जिसको अगर हम देखा जाए यूनानी भाषा में ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमर जी। वो जो ह्यूमर होते हैं वो यूनानी भाषा में उसको आयुर्वेद यूज में भी उसको शामिल किया गया है, उसको आम लोकल लोगों को भी एस्थेटिक सेंस में लोकल लोगों ने उसको जोड़ लिया है। उसमें से क्या होता है, पहला भी है लाल रंग का, उसे रक्त बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, या उसे दम कहते हैं। आप कहते हैं कितना दम है तेरे, दम मीन्स ताकत है, कैपेसिटी है, समर्था है। उसके बाद फिर दूसरा होता है येलो फ्लूइड, जिसमें गर्मी होती है, येलो जी। वो तीसरा होता है ग्रीन फ्लूइड, जिसमें हमारी बलगम है। उसके बाद चौथा होता है सौदा, जिसको ब्लैक फ्लूइड कहते हैं, जिसमें हमारा भारापन है, जिसमें हमारी मट्टी है, जैसे जिसमें हमारा भारापन है, जिससे स्टोन बनता है, जैसे कि सख्त चीज़ें बनती है, उसको सौदा बोलते हैं, ब्लैक बोलते हैं। वो ऐसे चलता है। होता क्या है, लेडीज़ में ज़्यादातर 90% लेडीज़ को मिग्रेन की और लो बीपी की और स्टोन की और गाल ब्लड की समस्या रहती है। ये चार चीज़ें हर एक लेडीज को होगी, 10% लेडीज औरतों को छोड़कर। होती क्यों है, होने का कारण ये है, जब वो गाल ब्लैडर से, लीवर से गाल ब्लैडर में वो चार तीन फ्लूड सीपेज होके आते हैं, उनमें से क्या होता है, ज़्यादा फैट की वजह से अगर फैट डाइजेस्ट लेडीज की पूरी नहीं होती तो उसमें क्या होता है, एक येलो फ्लूड, एक ग्रीन फ्लूड, एक ब्लैक फ्लूड, ठीक है जी। येलो फ्लूड को जो है हम पितरस मान लेते हैं, और ग्रीन को हम बलगम मान लेते हैं, और सौदा को ठोस बलगम, ठंडी बलगम का रूप मान लेते हैं। वो वहाँ से जाकर जब वो रस स्टोमिक से स्प्लीन के पास जाते हैं, स्प्लीन में वो जो सौदा है भारा होने की वजह से बैठने लग जाता है। वो दोबारा फिर जब शरीर से घूमकर शरीर से ब्लड में जाता है, तो हार्ट जब पंप करता है, तो पंप करने के बावजूद की बावजूद ब्लड का जो प्रेशर है वो स्लो हो जाता है, इससे बीपी स्लो हो जाता है। ये स्लो होने का रीज़न औरतों में ये है, सौदा है उसका रीज़न। काला जो फ्लूड है वो भारी होता है, वो ब्लड में स्लो चलता है, इसलिए बीपी स्लो हो जाता है, स्ट्रोक के बावजूद स्लो हो जाता है। अगर वो फ्लूड नॉर्मल रहता है, ज़्यादा भारा नहीं होता, आप पानी भी किसी पाइप में देखेंगे, अगर हल्का पानी डालेंगे तो स्पीड में जाएगा, और भारा डालेंगे तो स्लो हो जाएगा जी। ऐसे ही होता है, ऐसे भोजन भी है हमारे, अगर हम भारा भोजन खाएंगे तो स्लो हो जाता है, अगर हम पानी पियेंगे तो स्पीड में स्टोमिक में जाता है। ऐसे ही जब वो पंप स्ट्रोक करता है, वो शरीर को खून भेजने की आर्टरी को, तो सौदा की वजह से, ब्लैक फ्लूड की वजह से वो जो ब्लड है वो शरीर में स्लो जाता है। स्लो जाने से शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होने से फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने मेरे को बाद में आपको बता रहा हूँ, फिर करेंगे बात। लो बीपी का माइग्रेन के साथ क्या कनेक्शन है? हाँ, वही मैं आपको बताने जा रहा था कि लेडीज को माइग्रेन होता क्यों है। आप एक बात नोट करेंगे कि हमारी ये जो है रिंग फिंगर है जी, ये रिंग फिंगर की मेरिडियन से ये बेन आती है,
ये बेन का संपर्क यहाँ गॉल ब्लैडर से है, गॉल ब्लैडर का संपर्क यहाँ से है, यहाँ का संपर्क आपका ये बेन से, कभी देख लेना आंख से आकर ये हेड में है। यहाँ होता क्या है, जब गॉल ब्लैडर सलगश होता है या गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या वो सौदा की वजह से जो फ्लूइड छोटी इंटेस्टाइन में जाता है तो प्रॉपर वो हजम नहीं होता, उसमें ना हजम होने की वजह से वो जो फ्लूइड होता है उसका तेजाब बन जाता है, ज़्यादा एसिड बन जाता है हजम होने की वजह से, एसिड क्योंकि वो सौदा की वजह से वो एकदम उसका चर्पिंग नहीं कर पाता सही रूप में। तो क्या एसिड बनने से फिर क्या होता है, वो ब्लड में जाकर सौदा स्लो कर देता है प्रोसेस को, फिर ब्लड जब इधर जो आपने गॉल ब्लैडर से एक वेन जाती है उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, वेन सप्लाई पूरी यहाँ ब्लड को ऐसे हेड में जाता है पूरा कर नहीं पाती, उसकी वजह से हमें यहाँ आँख में दर्द लेडीज को, ये यहाँ सिर में दर्द और ये यहाँ नेक में दर्द और उनका जी चकराना, दिल खराब होना, मन खराब होना, दर्द होना, उसको उसको आवाज़ अच्छी ना लगनी, उसको अंधेरे में जाकर उसका लेट जाना, गुस्से होना, को गुस्सा इसलिए होता है उसको एनर्जी पूरी नहीं मिलती, वो एनर्जी पूरी ना मिलने के कारण दो है, एक तो एनर्जी पूरी नहीं मिलती, एक दूसरा जो है येलो फ्लूइड है वो हमारे गुस्से का रीज़न है, वो हमारे गुस्से का रीज़न है। औरतों को गुस्सा भी, जिनका गॉल ब्लैडर खराब होता है या मीग्रेन होता है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कई बार तो ऐसा लगता है औरतों को कि जो मेरे सामने बैठा जो इंसान है मेरे से फालतू बात करता है इसको मैं मार दूँ, वो उसका बेचारी का कसूर नहीं होता, कसूर यही होता है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग जो है जब अबनॉर्मल होता है उसी औरत में बीपी स्लो होगा, उसी को मीग्रेन होगी, करीब करीब उसी औरत को गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाएगा। ये तीन चीज़ें पक्की हैं, स्टोन बनने का कारण बेसिकली औरतों में सौदा है जिसकी वजह से उसका क्या होता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ वो जो सौदा मैटर होता है ब्लैक बाइल वो जमा हो जाता है उसकी वजह से। लो ब्लड प्रेशर का और कौन से अंग के साथ कनेक्शन होता है? लो ब्लड प्रेशर का हमारी सारे शरीर के साथ ही संपर्क होता है। देखिए जो खून है जिसे रक्त कहते हैं, जिसे ब्लड कहते हैं, जिसे दम कहते हैं या जिसे लाल फ्लूइड कहते हैं, ये हमारे शरीर की एनर्जी का सोर्स है। खून से ही जो खून के रेड रक्त हैं, रेड रक्त हैं जो वही हमारे शरीर में सारी एनर्जी को लेकर जाते हैं, उसको ले जाने के लिए सबसे बड़ा काम स्प्लीन करती है। और उस वक्त क्या होता है जब ये ब्लड में ब्लैक फ्लूइड चला जाता है जिसको हम लोग काला फ्लूइड भी बोलते हैं, वो जब चला जाए, हालांकि काला नहीं होता, काले उसको उदासीन वैसे उसका नाम है असली उदासीन फ्लूइड, वो जब चला जाता है वो क्या करता है स्प्लीन में जाकर स्प्लीन की फंक्शनिंग को स्लो कर देता है। स्प्लीन में ही हमारे सारे जितने वाइट सेल हैं जो दूसरे हैं सारे वो बनते हैं और फिल्टर होकर सही बनते हैं, वो उसके लिए उनके उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम की वजह से हमारी बॉडी में फिर एनर्जी की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी से हम लथार्जिक हो जाते हैं, इसलिए स्लो ब्लड प्रेशर जो है हमें बहुत नुकसान करता है, हम सही काम नहीं कर पाते, सही सोच नहीं कर पाते, बैठ नहीं सकते, कई बार स्लो ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर जो सही है वो देखिए आम 80-120 होता है, औरतों का करीब करीब आजकल जो कंसीडर कर रहे हैं वो 115/70 ठीक है या 75, अगर ब्लड प्रेशर 100 से कम हो जाए ऊपर वाला और नीचे वाला 60 से कम हो जाए तो फिर कई बार लेडीज़ को, अगर जेंट्स का तो 1-2% चांस होता है, 90% लेडीज़ को ही होता है, उनको फिर चक्कर भी आते हैं, कई बार वो नीचे चक्कर खा गिर भी जाती है, कई बार उसको नज़र भी नहीं आता, आंखें उसकी भारी हो जाती है, कई बार आंखों को नज़र नहीं आता, कई बार उसको लगता है मैं अभी फ्लैट हो जाऊंगी, ऐसे सारा शरीर में नर्वसनेस आ जाती है, ये लो ब्लड प्रेशर के काफ़ी नुकसान है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के क्या घरेलू इलाज हैं? घरेलू इलाजों में देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले तो खान पान हमारा ठीक करना चाहिए, हमें अगर सभी को ये पता होना चाहिए, एक तो हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए जिसको ताज़ा खाना पकवान कहते हैं,
एक खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो कभी भी नहीं बरतना चाहिए, कम से कम बरतना चाहिए, अगर एमरजेंसी में बरतना चाहे तो बरत लो। और दूसरा उसको लो ब्लड प्रेशर वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने में जिंजर अदरक और घिया फैमिली जिसे कहते हैं, घिया तोरी कद्दू वगैरह कॉलीफ्लावर वगैरह पत्तेदार सब्जियाँ चिकंदर वगैरह सारा यूज, चिकंदर थोड़ा इतिहास से बरतना चाहिए, चिकंदर लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर को शुगर को और लो कर देता है, इसलिए उसको इतिहास से समझकर खाना चाहिए। मूली शलगम गाजर संतरा माल्टा किन्नू आंवला और कितनी और चीज़ें हैं जैसे कुछ घरेलू जड़ी बूटी हैं, सतावरी है, छोटी माई है, चिकनी सुपारी है, सुपारी है, सफ़ेद मूसली है, फूल चक्कर हैं, ठीक है, बंग भस्म है उसमें, और बहुत चीज़ें हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, काजू हैं, ये सारी चीज़ें जो मिक्स तिल हैं, अलसी है, ये सारी चीज़ें जो इसको ठीक करती है। और जो सौदा जिसे कहते हैं, सौदा क्या होता है, ये बलगम से भारा होता है, जम जाता है, और सौदे को और भारा नहीं होने देते, उनको हल्का रखते हैं, सौदा फिर शरीर में इन चीज़ों को खाने से लीवर में भी और गाल ब्लैडर में जितने ये चारों फ्लूइड हैं, एक तो लीवर में रह जाता है, तीन ये फ्लूइड हैं जो आगे चलते हैं हमारी बॉडी में हाजमा करने के लिए और स्प्लीन के लिए, उनको तीनों को फ्लूइड को अपने मकदार में रखता है। अगर ये खाते हैं तो जो सौदा बहुत गाढ़ा हो जाता है, स्टोन का रूप धारने जाता है, एक तो स्टोन नहीं बनता, दूसरा सौदा फिर वो अपना फ्लोटिंग रूप में रहता है, जमता नहीं, फिर ब्लड में भी जाकर वो जब हार्ट स्ट्रोक करता है तो हार्ट के प्रेशर को वो ठीक रखता है, स्लो नहीं करता। आमतौर पर कहा जाता है कि जब किसी का लो बीपी हो जाता है तो उसको चॉकलेट दे दी जाती है या फिर कॉफ़ी पिला दी जाती है, तो क्या वो सही है? हाँ, वो एक टेम्परेरी उसका एक काम करता है, नुस्खे का काम करता है, क्योंकि लो बीपी में जब कॉफ़ी देते हैं या चॉकलेट देते हैं या गुड़ खाने को देते हैं या नमक और मीठा घोल कर देते हैं, उसमें क्या फर्क होता है, शरीर का वो एनर्जी आ जाती है, फंक्शनिंग थोड़ा हाई हो जाती है, उससे बीपी हल्का सा अप चला जाता है, वो ठीक है। आप लो बीपी को कैसे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं आपके पास इलाज करवाने के लिए, तो क्या लो बीपी को हम पूरी तरह से जड़ से ठीक कर सकते हैं? हाँ, लो बीपी के लिए हम एक मेडिसिन भी बनाते हैं, वो हमारे पास उपलब्ध है, अगर कहें तो हम उसको दिखा सकते हैं, वो लो बीपी की ही मेडिसिन है, उसको हम दो गोली सुबह दो शाम दो दोपहर को देते हैं, उसमें अकेला लो बीपी नहीं, उसमें माइग्रेन भी काफ़ी हद तक ठीक होता है, लो बीपी तो हो ही जाता है ठीक, दोबारा होता नहीं है, वो दवाई है और उसकी जड़ी बूटियाँ अलग है, अगर जड़ी बूटियों से ठीक करना हो तो जड़ी बूटियों से भी ठीक हो जाता है, वो दवाई भी हम जड़ी बूटियों से ही उसका स्ट्रक्चर निकाल कर ही बनाते हैं, जड़ी ज़्यादा हम जड़ी बूटी ही देते हैं, गोली तो कम ही देते हैं, अगर कोई कहे तो बना देते हैं, तो ठीक हो जाता है लो बीपी। लो बीपी कुदरती लेडीज में ही होता है ज़्यादा। क्या लो बीपी हेरिडिटिकल होता है? हाँ, ये इसमें विरासती गुण होते हैं, ये आ चला आता है, हमारे एक प्रवर्ब भी है, कहते हैं माँ पे बेटी पिता पे घोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो माँ के गुण हैं जो माँ के दोष हैं जी, वो लड़की में आते हैं, पिता के गुण और पिता के दोष लड़के में जाते हैं, इसलिए ये हेरिडिटरी जो कह रहे हैं आप, ये विरासत के गुण हर औरत में हर लड़की में लगभग 90% चले आते हैं, इससे हो जाता है, अगर उसकी माँ को या नानी को लो बीपी है या गाल ब्लड की प्रॉब्लम है तो बेटी को हो जाना उसका 95% चांसेस है। अगर किसी का एकदम से बीपी लो हो जाए तो वो क्या करे? तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत भी है, एकदम बीपी लो हो जाए, एक बात का ध्यान रखो, पेशेंट को कोई शक्कर चीनी मीठा चॉकलेट कैंडी और सॉल्ट मिलाकर उसको तुरंत दे दो, उसको बोलो चबा दो और अंदर लिखा दो, या पानी में मीठा और चीनी या गुड़ घोल कर इकट्ठा सॉल्ट उसमें जरूर डालो, नमक उसको पिला दो, ठीक हो जाएगा। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा सेंटर है, आपको पता है, इसका नाम फानबिल है, ये चंडीगढ़ डकाला चंडीगढ़ से जो बठिंडा को रोड जाती है, जहाँ डकाला रोड पे ये क्रॉस करती है पटियाला को, वहाँ मेन रोड के ऊपर ही फनबिल के नाम से है, हम मेरा पर्सनल नंबर है, कोई ख़ास बात हो तो मेरा नंबर 836011
34896 है, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम सैटरडे और संडे दो दिन यहाँ पेशेंट देखते हैं, उनको दवाई भी देते हैं, और हमारे हलास्टिक जो कहते हैं सभी बीमारियों का इलाज है, जोड़ों के पेन का, हार्ट का, हार्ट में स्पेशली जो हार्ट की धड़कन जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं 5 साल सर्वाइव करेगा, एक भी पेशेंट नहीं जो कभी ख़राब हुआ हो, और सभी ऑल इंडिया पीजी से भी आते हैं पेशेंट, सारे ठीक हो जाते हैं। और रिह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, रिह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का हमारा जॉइंट पेन का तो ही है, वो भी बहुत अच्छा इलाज है। हार्ट सर्जरी जिसको रिकमेंड करते हैं उसका भी अच्छा इलाज है हमारे पास, स्पेशली लेडीज़ की फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्रस फाइब्रॉइड्स हैं, गायनी की हैं, जिन लेडीज़ को मेंसेस की वजह से बच्चा नहीं होता वो उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। तकरीबन जितने लड़की मेरे पास आती हैं उनका सभी का मेंसेस फ्लो ठीक हो जाता है, उनको हार्मोन नहीं हम देते, नेचुरल ढंग से उनको ठीक करते हैं, कंसीव कर जाती है वो भी ठीक हो जाती है। तकरीबन हमारा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, स्किन का रिजल्ट हमारा, लेडीज़ की झुड़ियों का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। तो कभी आप उनसे इंटरव्यू करके पेशेंट से देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।